हेलो फ्रेंड, आई एम रिया। आप सभी का यूनिक रिया की रसोई में स्वागत है। आज मैं आपके सामने पंजाब की आलू के पराठे विद चटनी एंड अचार। इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उसमें मैंने हरी धनिया, पुदीना, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, जीरा पाउडर एंड मैंने डाला है सूखी धनिया। इन सब को डाल के मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और इधर मैंने आटे को पहले से गूंद के रखा था, इसको पहले मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। पहले मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा लोई को बेला है और इसके बाद मैं फिर बेलन से इसको थोड़ा सा बेल लूँगी। बेलने के लिए इसलिए मैं बेल रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे स्टफिंग करनी है आलू की। तो मैंने इसको बेल लिया है और इसमें मैं अब पहले थोड़ा सा बटर या आप घी भी लगा सकते हो, मैं बटर लगा रही हूँ। हल्का सा इसमें बटर लगा लेंगे। बटर इसलिए लगाना है कि अंदर तक वो नमी रहे, जो हमारे आलू पराठे अंदर से ड्राई ना रहें, इसलिए बटर या घी आप लगा सकते हो। इसके बाद जो स्टफिंग है आलू की वो मैंने इसमें कर दी है। फिर ऊपर से इसको लपेट के प्रेस कर लेंगे और अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि हमारे इसके आलू की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और अच्छी तरह हम इसे प्रेस कर लेंगे और हम बेल लेंगे। मैंने इसको गोल बेला है, आप इसे चौरस भी बेल सकते हो। जब तक मैं इसे बेल रही हूँ, मैंने किचन कुकिंग की 3 ट्रिक के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप मेरी वो वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हो। फिर इसके बाद मैंने ये अच्छी तरह से बेल लिया है। अब मैं गैस को ऑन करूँगी और पहले गैस की फ्लेम में है उसको तेज़ रखूँगी और तवे को अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। ये मेरा पराठा बेल गया है और ये मेरा तवा भी गरम हो गया है। अब इसमें मैंने लगा लिया है बटर, आप घी भी लगा सकते हो, लेकिन बटर से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कहते हैं ना, पंजाब में पराठा और बटर एक कॉम्बिनेशन है। फिर मैंने इसमें बेला हुआ जो पराठा आलू का था वो डाल दिया है। अब मैं इसकी फ्लेम है वो स्लो कर दूंगी, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम में बनाएंगे आलू पराठे अब तो ये मेरे जलेंगे और इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, ज़्यादा इसमें हमें जलाना नहीं है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन, पहले तेज़ गर्म करा तवा, फिर धीरे करके हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और दोनों तरफ से हमने मक्खन लगा के इसको देखिए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब ये मेरे पंजाब के आलू के पराठे विद चटनी एंड अचार, आप इसे इंजॉय करें। और अगर मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अपना ख्याल रखिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।